राजगढ़ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होने वाला चंद्र ग्रहण किस राशि के लिए लाभदायक रहेगा या किस राशि के लिए परेशानी वाला, ग्रहण के सूतक कार्य में क्या करना चाहिए व क्या नहीं करना चाहिए, इसी को लेकर हमारे प्रधान संपादक विक्रम सिंह चावड़ा ने पंडित नरेंद्र जी शर्मा से खास बातचीत की। देखिए पूरी खबर केवल मेरा देश मेरा प्रदेश पर। ग्रहण का सूतक जो है 16 जुलाई 2019 वार मंगलवार को जो दोपहर के बाद में 4:32 से इसका जो है सूतक चालू हो जाएगा और ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र में और धनु की राशि में चंद्रमा होने के कारण ये जो है इसका सूतक 4:30 लग जाएगा। इसका ग्रहण का जो सभी राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा और साथ साथ में देश विदेश भी हैं। राशि क्या है कि जैसे हमारा राजगढ़ है, चंद्र ग्रहण जो है 16 जुलाई 2019 आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा जो गुरु पूर्णिमा भी है और मंगलवार भी हैं, तो देखा जाए तो जंगल में मंगल और मंगल भवन अमंगलहारी, यानी इसके नाम से ही अपन जानते हैं इस श्लोक से ही कि मंगल यानी अमंगलहारी। इस मंगलवार में अगर कोई कार्य होगा तो अमंगल ही निवारण होगा जितने भी हमारे अमंगल होंगे। तो 16 जुलाई 2019 को ग्रहण का स्पर्श जो है मध्य रात्रि के बाद 1:33 से लेकर के मोक्ष जो है उपरात्रि 4:30 पे इसका होगा। ग्रहण का पूर्णकाल 2:57 का होगा। ग्रहण का सूतक जो है 16 तारीख मंगलवार को दोपहर के बाद में 4:32 से इसका सूतक चालू हो जाएगा और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में और धनु राशि के राशि में चंद्रमा रहने से ये सूर्य चंद्र ग्रहण का योग बनेगा। और रात्रि में उसी समय जो हैं कई प्रकार के जो राशि वाले हैं, नाम वाले हैं, जैसे हमारे नाम हैं ऐसे ही हमारे नगर के भी नाम हैं, तो जिस प्रकार हमारे राशियों पर हमारे नाम पर जो प्रभाव पड़ेगा वही हमारे देश विदेश जो भी नगर हैं उन पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो देखा जाए तो 12 राशियां हैं, उस 12 राशियों में से वृषभ, कन्या, धनु व मकर राशियों को जो हैं ये ग्रहण अशुभनी है, यानी ये वर्ष इनके लिए अशुभ रहेगा। कहीं देखा जाए तो इनके लिए कहीं ना कहीं नुकसान का इनको भरपाई करना पड़ेगी, कहीं ना कहीं वाद विवाद चलता रहेगा, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मामले रहेंगे, कहीं ना कहीं रोग रहेगा, कहीं ना कहीं पीड़ित रहेगी। और देखा जाए तो साथ में मेष, मिथुन, सिंह और वृश्चिक राशियों के लिए ये मध्यम रहेगा, तो इसके लिए ये इनके लिए ना ज़्यादा हानि रहेगी और ना ज़्यादा लाभ रहेगा, फिर भी इनके लिए अच्छा रहेगा। और कर्क, तुला, कुंभ व मीन राशि वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ ये योग रहेगा, इसलिए इनको अभी तक का जो नुकसान हुआ है अब आगे जो इनका समय आने वाला है वो अच्छा रहेगा और इस राशि के नाम से जो नगर हैं, देश विदेश हैं, उन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और ये ग्रहणों में 3 ग्रहण होते हैं, लेकिन ये जो ग्रहण कहा जाता है ये खग्रास ग्रहण कहा जाता है और इसमें मंदिरों में कपाट बंद होना चाहिए, मूर्तियों का स्पर्श नहीं होना चाहिए और घर में जो भी सामग्री हमारे रहें, चाहे दूध है, पानी है, आटा है, खाने पीने की वस्तु हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें हमें कुशा रखना चाहिए, यानी डाब, हर वस्तु में डाब रखना चाहिए, डाब हमारे पास में भी रहना चाहिए। जब उपरांत ग्रहण का जब निकल जाता है तो सुबह उठ करके हमें स्नान ध्यान करके कहीं पर्वत, कहीं पर्व हो, कहीं अच्छा स्थल हो, कहीं रमणीय सरोवर हो तो उसमें स्नान करना चाहिए, यथा योग्य हमें दान दक्षिणा देना चाहिए, भगवान का पूजन पाठ करना चाहिए और घर में पोछा वगैरह लगा करके धो धा करके फिर भगवान का दीपक ध्यान करना हमें चाहिए। निश्चित ही ये जो ग्रहण पे जो सारी बातें बताई पंडित नरेंद्र जी शर्मा ने, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए मेरा देश।